स्टूडेंट कॉन्डरिंग द सेम चैप्टर ऑफ द रिफ्रेक्शन टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसिस तो वट इज स्फेकल सर्फेस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज सपोज आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिंग मटीरियल का कोई स्फेयर है यह सपोज उसका एक पार्ट है और एक पार्ट इसका ये है दिस इज दिस आर द टू पार्ट अगर हम इस पार्ट को देखें इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का म्यू टू है और बाहर आपका एयर है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है दैट इज कंसिडर्ड एज रेर मीडियम तो रेरर की तरफ से देखने पर दिस इज द कॉन्वेक्स इन शेप तो डेट्स वाई दिस इज द कॉन्वेक्स फेरिकल सर्फेस और अगर हम इसको देखें तो रेरर की तरफ से देखने पर दिस इज कॉन्केव इन शेप ये म्यू वन और ये डेंसर मीडियम है म्यू टू तो दिस इज कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस now there are two types of cases in first case we will take the object outside the medium or in other case we will take object inside the medium when the object outside it means this is the refraction through rarer to denser and if the object is inside the medium so that is the refraction through denser to rarer तो फर्स्ट केस इज रिफ्रेक्शन थ्रू रेयरर टू डेंसर और यहां पर हम केस कौन सा ले रहे हैं दिस इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस तो दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस जिस स्फेयर का ये आपका सरफेस एक पार्ट है उस स्पेयर की जो रेडियस होगी डेट इज सेंटर ऑफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और सी उसका सेंटर है

और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हेयर इज ए स्मॉलर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ए से अब हमने एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस इज ओ एम पी इज ए पोल ये सेंटर है और ये ओ जो ऑब्जेक्ट है यहां से एक और रे चली है जो पी की तरफ चल रही है दिस इज ये ये रे नेचुरल है इट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन दिस स्पेयर क्यों क्योंकि ये सेंटर ऑफ करवेचर की तरफ ही चल रही है तो इट विल गो थ्रू अलोंग द सेम पाथ एंड बोथ दिस रिफ्रैक्टेड रे दे मीट एट दिस पॉइंट आई दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ दिस ऑब्जेक्ट ओ ये बाहर रेयरर मीडियम में है और इसकी इमेज आई किस डेंसर मीडियम में

1 mu 2 means refractive index of second medium with respect to first medium this is equal to mu 2 over mu 1 or according to snell's law that will be equal to sine i upon sine r now we are taking the aperture is very very small so sine i is nearly equal to i and that's why it is equal to i upon r नो सी इन दिस ट्राइंगल ट्राएंगल ओ ए सी ओ ए सी में अगर ट्राइंगल ओ ए सी लेंगे हम सी विच इज द एक्सटीरियर एंगल एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल तो एंगल आई डेट विल बिकम इक्वल टू एंगल एल्फा प्लस गामा अगेन इन द ट्रैंगल ए आई सी सी दिस इज द ट्राएंगल ए आई सी इसमें एंगल गामा जो है डेट इज एक्सटीरियर ऑफ बॉथ तो डेट्स वाई गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर वन वट इज देअर म्यू टू अपॉन म्यू वन एंड दिस इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा अपॉन आर प्लस beta here we take the value of r r is equal to gamma minus beta and mu 2 upon mu i jo l i upon r tha, that becomes equal to alpha plus gamma upon gamma minus beta by cross multiplying we will get this here we are taking alpha beta and gamma all are very very small the alpha is nearly equal to 10 alpha and that will be equal to ए एम अपॉन ओ एम एंड सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू ए एम अपोन एम आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड टेन गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड वी ऑल्सो हैव टेकन दैट एम एपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल तो एम जो है डेट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दी तो जहां पर एम सी है वेयर वी कैन टेक पी सी एम आई की जगह हम क्या ले सकते हैं पी आई So, mu 2 into 1 upon PC and 1 upon PI, mu 1 into 1 upon OP plus 1 upon PC. Now, OP, what is OP? OP is the distance of object. According to sign conventions, OP is equal to minus U and PI is equal to V or PC is equal to R. Putting all the values here, and we get this form mu 2 upon R minus mu 1 upon R equal to mu 2 upon v minus mu 1 upon u and this is the refracting formula for rarer to denser when the object o is in rarer medium